ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमो नमः। महादेश्वर्य नमो नमः। ॐ शांति शांति शांति। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल। मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला से बात करते हैं करियर मैनेजमेंट एंड एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहला, जिंदगी में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, बड़े बड़े हाथी लोग होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा दिखाने वाला दांत होता है, कोट बूट सूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को ये माई भर भर के जिंदगी हो गया बेकार। लटका पड़ा है बंधुआ मजदूर बन के किसी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के चुंगल में जाल में फंसा हुआ बड़का हाथी, गांव का लड़का, डॉक्टरी इंजीनियरिंग और क्या क्या सब पढ़ लिख लिया है, बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास जर्मन जापान थाईलैंड ओलैंड मोलैंड इंग्लैंड उसके लैंड सब में जाके नौकर चाकर गुलाम बन के बैठा। बुरा नहीं है, अच्छा है। हमारा देश तरक्की में है, विकास कर रहे हैं, हमारे युवाएं अरुणी नहीं है ऋणी हैं, कोई बात नहीं। हमें जो शिक्षा पद्धति मैकॉले एजुकेशन दिया गया उसमें ऋणी होना ऋणी बनना एक समय में साहूकार के ऋणों से बचाने के लिए बैंक बनाया गया, साहूकारों का लूट से गरीब किसान खेतिहार दिन मजदूर बंधुआ मजदूर को बचाने के लिए साहूकार धंधा को बंद करके साहूकारी को बंद करके बैंक को बनाया गया कि फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल विद द पीपल। आज वही बैंक एक बड़ा बड़ा साहूकार बन के बैठे हैं। बड़े बड़े जाल बुना जाता है कि बेटा ऋण के जाल में कैसे नौजवान नौजवान पीढ़ी फंसे। बड़े बड़े जाहिरात, बड़े बड़े एड, होर्डिंग, कार लोन, होम लोन, इसमें फंसने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन, हायर एजुकेटेड पढ़ा लिखा हुनहार हाथी का मोटा दांत वाले उसी जाल में फंसते हैं। फंस तो जाते हैं लेकिन निकलने के लिए तिल मिलाते हैं एकदम। कभी भी मार्केट डाउन हो गया, इकोनॉमिकल क्राइसिस, बिजनेस ब्रेकडाउन, शॉटडाउन, लॉकडाउन और जिंदगी तहस नहस बर्बाद। कौन बचाए इनको, कैसे बचाए? और अगर इसी समय साढ़े साथी का मार पड़ गया ना बाबू, खत्म है खेल एकदम। है दे दो, रास्ता नहीं है, सब बांध, सुसाइड। बिक गया सोना चांदी हीरा मोती, बीवी का धन, घर या ईएमआई भरते भरते घर भी चला गया, गाड़ी चला गया। बाबू आ गए रोड पे, फुटपाथ पे। अब कौन किसका मायका लाल में दम है जो इनको बचाए? अब चिल्लाए, शनि आ गया, मार दिया, ठोक दिया, पीट दिया। अरे शनि एक ही ग्रह है जो अरुणी है, अरुण अरुणी आपको ऋण में डाल दिया। कैसे झूठा आरोप शनि बाबा के ऊपर लगा रहे हो, सोचो। और शनि बाबा बार बार बोलते हैं अपना चादर देख के पैर फैलाओ,
हम समझते नहीं हैं, और जो लोग नहीं समझते हैं, दिखावटी जिंदगी जीते हैं, शोबाजी करते हैं, जितना नहीं है उतना को लोगों के सामने दिखाते हैं कि हम बाबू बहुत कमाते हैं, विदेश में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, हमारा मोटा मोटा दांत इधर देखो, लेकिन अंदर तो एको दांत नहीं है, पकुआ है पकुआ भी है और भकुआ भी है, फंस गया बेटा बड़े बड़े चुंगल में, माँ बाप लोग उसको बहुत पाट उठ पढ़ा के एकदम पकड़ा दिया मल्टीनेशनल में नौकरी, और बाबू फंस के जकड़ के एकदम रो रहा है कि बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा रे। और अगर नौकरी से छटाई उटाई हो गया, डिमोशन वमोशन हो गया, तो फिर EMI कैसे भरें, बच्चा का ट्यूशन फीस कैसे दें, और बिबिया का वो जितना सारा लाना चाहिए वो कैसे लाएं, वो वही लिपस्टिक विपस्टिक लाल लाल वो सब कैसे लाएं, कैसे पता चलेगा कि इधर नहीं भर पाए, तो बीबियों छोड़ के भाग गई। अरे फिर दौड़ो महाराज, बीबी छोड़ के भाग गई, बचाइए, एक केस नहीं हजारों केस। फिर ज्योतिष के पास गए तो बोले पत्थर पहनो, 50,000 लाओ, 1,00,000 रुपया लाओ, एकदम ओरिजिनल पत्थर दे रहे हैं। हम लोग उड़िया में बोलते हैं बोझो ऊपरे नौलिता बिड़ा, नहीं समझ में आए तो किसी उड़िया भाई को पूछ लेना, इस बहाने तो पूछे लोगे ना, इका कहा पंडित जी बोझो ऊपरे नौलिता बिड़ा, बात कर लेना। तो इस प्रकार का जो टेंडेंसी है, ऐसे जो लोग जीते हैं, जिनका जिंदगी दिखावटी है, शोबाजी है, 10 रुपया का औकात नहीं, 100 रुपया का दिखावा, शनि बाबा उनको लेके रोक तेरे को बताता हूँ, अब कैसे दिखवाएगा थोड़ा हम देखेंगे। औकात में याद करवाते हैं शनि बाबा, ठीक है। तो शोबाजी को शनि बाबा ना बड़ा खखवाते हैं, क्योंकि शनि है प्लानेट ऑफ ट्रूथ, प्लानेट ऑफ लॉ, और जो अपने जिंदगी को जो नहीं है, जितना नहीं है उतना दिखाने का खर्चा करता है, दिखावटी में खर्चा करता है, ऐसे लोगों को शनि बाबा एकदम रोड पे ला के फटीचर बना के पीटते हैं, एकदम कस के। फोन आएगा, फोन बंद कर देगा, ओ ब्लॉक एकदम चला, कहाँ से EMI भरो रे। शनि बाबा इसी समय अपने ऊर्जा को घटा के सबका लोड आपके ऊपर डालते हैं, और एक ऋण का रिकवरी के लिए दूसरा ऋण लेना पड़ता है, फिर उस ऋण का रिकवरी के लिए तीसरा ऋण, फिर चौथा ऋण, छोटा छोटा ऋण है, एक को बड़ा ले लें और उसमें घुसेड़ दें, सब टेंशन खत्म, खाता क्लोज, एक ही के साथ लेन देन कारोबार होगा, फिर चेक बाउंस हो गया बेटा, रात को नींद नहीं है, खत्म, एकदम पगला गया बाबा, क्या करें, फिर चिंता एकदम, फिर कुंडली दिखाओ, प्रभु अब बचाइए, कोनो नया पंडित जी आचार्य संजय जी कह रहे हैं कोनो रास्ता बता दें, तो चेक कराओ। पंडित जी फोन में उठाओ नहीं करे भाई, लाइन व्यस्त है, दिन भर कुंडली में व्यस्त हैं बाबा के पास टाइम नहीं मिला, ऐसा करो का कह रहे थे दक्षिणा भरो, जल्दी लाइन मिल जाएगी, कौन रास्ता फट से मिल जाएगी, एकदम कुछ ना कुछ तो टोटका उटका बता देंगे, इस समय निकल जाएंगे। पंडित जी फिर वही घिसा पिटा बात बोलने लग गए, शनि बाबा तो फिर पंडित जी को भी माफ नहीं करेंगे कैसे करके, क्यों, एस्ट्रोलॉजी इज ए करेक्टिव साइंस, नॉट क्यूरेटिव, नॉट प्रेडिक्टिव, ये उनमें से नहीं है। हाँ वो गया था, वो बाबा के पास टोटका बता दिया, वो पीपल गज के नीचे उड़द और चावल लेम्बू डाल के रखे और गाड़ दिए, हो गई, कैसे हो गई भाई, और एक महीना दो महीना नहीं गया, फिर बैकफायर हुआ वही टोटका, भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगिन तंत्र मंत्र जंतर, अब फंसते रहो, हर टोटका का बैकफायर है तो इसका भी बैकफायर होगा,
क्योंकि इस समय तो आप फोर्स ऑन कर दिए, जैसे कंप्यूटर काम कर रहे हैं नहीं हुआ तो बड़े बड़े डिवीजन में फोर्स बटन रहता है कि फोर्स करके काम कर दो, फोर्स किया तो फिर उधर लाइन आउट ठीक है। इस वीडियो का मकसद है अपने चादर जितना बड़ा है पैर उतना पसारा जाए, और जो लोग दिखावटी और दिखावा के लिए अपना गलती करता है, शनि बाबा कदाचित ना माफ किए हैं ना करेंगे। रोड पे ला के ना अपना असलियत दिखाते हैं नंगा करके, फिर कितनों भी चिल्लाओ आत्महत्या ना कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि आप अपने औकात पे रहो। भाई 350 रुपया का गंजी पहना है, यहाँ 1000 का बैनर लगाने का जरूरत नहीं है ना, उदाहरण दे रहे हैं। तो बाप, ये तो लोन का बात गया। दूसरा बिंदु ये है करियर, और हर एक आदमी पढ़ लिख के एक नौकरी कर लिया तो अपने को एकदम बहुत बड़ा समझ लेता है, और उसका सेकंड पार्ट सेकंड वे नहीं ढूंढता है। वो ढूंढता है कि मेरा तो एक नौकरी है, और आज जैसे कोट बूट सूट में आया का नहीं है बैंड बजाने को, ऐसा ही जिंदगी भर शायद चल जाएगा। सेफ्टी जोन में हम आ गए, नो रिस्क। लेकिन कल जब मार्केट कोलैप्स करेगा, इकोनॉमिकल डाउनफॉल आएगा, छटाई हो जाएगा, फिर तो ईएमआई भरने का लाले पड़ेंगे। फिर मैं ये लोग जिंदगी में देखा नहीं उत्थान और पतन, बस स्कूल पढ़ा अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम, फिर कॉलेज पढ़ा, फिर कोनो कोर्स कर दिया, इंटरव्यू दिया, नौकरी पा गया। दुनिया तो देखा नहीं ना कि यहाँ राजा भी रंक होता है और रंक भी राजा हो जाता है। हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अभी उठाव भी है और डाउन भी है। आज अच्छा दो पैसा आ रहा है, ऐस मस्ती करके सुख भोगो, माँ बाप को भूल जाओ, सगे संबंधी को भूल जाओ, और अपने को शोबाजी करने के लिए फेसबुक में ट्विटर में व्हाट्सएप में और सब छोड़ के हम सौण एकदम बहादुर सिंह यादव, और कल जब लाला पड़े ना तो फिर फेसबुक क्लोज, व्हाट्सएप बंद, मोबाइल स्विच ऑफ। घर घर का कहानी है। क्या करना चाहिए? ज्योतिष क्या कहता है? सबसे बड़ा समस्या ऐसे किनका होता है जो लोग अपना करियर को राइट वे में एनालिसिस किया नहीं, वर्तमान परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य को देख के किसी से अनुप्राणित होके किसी के द्वारा वो समझा के बुझा के, कोई काउंसलर करियर काउंसलर आया काउंसलिंग कर दिया, अफेक्टेड इम्फेक्टेड हो गए, उसके बाद में बहक गए, या फिर आप अपने आसपास देखे कि ओ इंजीनियर हुआ, ओ डॉक्टर हुआ, ओ अफसर बना, ओ नेता बना, ओ कंट्रैक्टर बना, कितना मजा में रहता है, हो हम भी बन जाएं। लेकिन कुंडली में कुछ अलग कह रहा है। तो ऐसा व्यक्ति चलो मेहनत करके पैसा के बल से पा भी गया, माफी चाहेंगे प्रभु, एक कुंडली देखते देखते ही वीडियो बनाना चल गया, दिमाग से आउटे हो गया, फोनवा आ गया था, तो क्या करें अब, आपका किस्मत किसी और दिन बताएंगे इसके बारे में। दिमाग में जब आता है विचार तो बनाते हैं, नहीं आता है तो पार हो जाता है। तो कर लिए दहे दिल से माफी चाहते हैं, फिर कोई फ़ोन करेगा पंडित जी आधा बनाते हो वीडियो, आधा नहीं बनाते, कट जाए या ऐसे ही कोई कुंडली का बात आ जाए इसी समय। तो ये सब थोड़ा सा हमारा गलती है, माफ़ी चाहेंगे, किसी और बार टाइप करेंगे, ठीक है।